तो ये देखिए हमने अपनी कैनवस ले ली है। अब इस कैनवस पे हम अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे और ये हमारी चौड़ाई है 3 इंच और ये लंबाई हमारी 7.5 और एक मेन हमारा ये है 15.5। ये देखिए हमने चिपका लिया है अपने कपड़े पे। अब हम इसे कच्चा लगा लेते हैं यहाँ पे। अब हम इसे अपने कपड़े पे चिपकाते हैं। अपना कुर्ती का फ्रंट है ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये सेंटर है, इसको और अच्छे से हमें उठा लेना है। ये ये देखिए हमने इस्त्री कर दिया, इस पे हमारा गला अच्छे से बैठ गया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाने के लिए, तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा है, इसमें हमने ऐसे स्क्वायर एक कपड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और हमने एक स्पंज ले लेना है और इसको हमें थोड़ा सा तोड़ के इसे हमें एक छोटी सी बॉल जैसा बना लेना है, गोल कर लेना है अच्छे से। फिर हमें इसे कपड़े पे रख के इसे पोटली का शेप दे देना है, ये देखिए, और हमें इसे अच्छी तरीके से फिनिशिंग में करना है। ये हमारा पोटली बटन ऐसे बन जाएगा। अब हम धागे से इसे ऐसे धागे से लपेट लेंगे, थोड़ा अच्छे से लपेट, थोड़ा आगे तक धागा लेना है हमें। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बटन तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा काट दे, ये देखिए हमने बनाई है ठीक इसी तरह। हमने ये देखिए ये भी बनाई है और एक और कलर की बनाई है, ये देखिए हमने 2 कलर लिए हैं। तो अभी से हमें 2-2 कलर के लगाने हैं ऐसे करके। अब इसके लिए हमें ये सिंगल बूट लगाना है, ठीक है, तो हम ये सिंगल बूट
ऐसे देखिए हमें दो दो करके लगाने हैं। ये देखिए ये हमने इस तरीके से लगा लिए हैं। अब हमें इसे इसके ऊपर ऐसे रखना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी बनाया है। ये देखिए तो हमने एक पट्टी ले ली है। ये देखिए हमने कंप्लीट कर ली अपनी सिलाई। अब हम यहाँ पे एक और सिलाई लगा लेंगे, फिर हमारा गला बनके तैयार है। ये देखिए ये हमने अपना कुर्ती बना के तैयार कर दी है। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया। और हमने आस्तीन में भी ये ऐसे लगाई है दो कलर, ये देखिए। और हमने ये दो कलर क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये हमारे दामन में ये दो कलर थे, ये देखिए, इसलिए हमने ये दो कलर लगाए हैं। और इसी तरह से हमने आस्तीन को भी ज्वाइन करके बीच में से इसे लगा दिया है, दो कलर ये हमारा बन गया। ठीक इसी तरह से हमने ये भी बना दिया है।